What a shot that is. What a shot. What a way to bring up his second T20 100 for India. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। दोस्तों, हम इस समय हैं यूपी के गाजीपुर में और यूपी का एक गाजीपुर जिला जो है, मैं आज आपको बता दूं, गाजीपुर का ये हथौड़ा गांव है। आज ये गांव सुर्खियों में है क्योंकि गाजीपुर जिले का इस हथौड़ा गांव का लाल जो है पूरे दुनिया में धमाल कर रहा है, सूर्य कुमार यादव। और देखिए, ये सूर्य कुमार यादव का घर है और यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे। और इधर इनके बाबा जो हैं बैठे हुए हैं, सूर्य कुमार यादव के दो दो बाबा, ये विक्रमा सिंह यादव जो हैं, और विक्रमा सिंह यादव के तीन संतानों में जो अशोक यादव के पुत्र हैं सूर्य कुमार यादव, आज दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दोस्तों, सभी लोग इस समय परेशान हैं क्योंकि चल रहा है और इन लोगों को मैं डिस्टर्ब किया हूं क्योंकि ये लोग मैच देखना चाहते हैं। पहले बाबा, आपका RA24 न्यूज़ में स्वागत है जी। RA24 न्यूज़ में स्वागत है बाबा। सूर्य कुमार के बारे में जी, हाँ बताइए सूर्य कुमार के बारे में। सूर्य कुमार के बारे में जी, हम क्या पूरा पेपर विश्व जगत बता रहा है जी कि वो हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड का नंबर एक जी क्रिकेटर है। हाँ। और बल्लेबाज जिसको कि कल देखी अभी पेपर में सुनील गावस्कर ने लिखा है कि नया मिस्टर ये जो 360 डिग्री का प्लेयर है। हाँ। जो कहीं भी किसी भी ग्राउंड में शॉट मारता है। हाँ। और आज जो है पूरी भारतवासी के दिल में बसा हुआ है और सबका समर्थन उसके साथ है, सहानुभूति उसके साथ है। और हमारे क्षेत्र पूर्वांचल में तो हमेशा दिवाली ही रोज मनी हुई है। लोग देखिए, यहाँ पर भी लोग, आज न्यूजीलैंड मुकाबला हो रहा है और दर्शकगण लोग आए हैं गांव के जनमानगण, और इन्होंने बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आज जो है न्यूजीलैंड भारत का मैच होगा, इसको जिताने के फेर में आज जो है, अब देखिए क्योंकि अंडर एज में 19 अंडर एज में इसने जो पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया था और ये उस समय कप्तान था, तो हमें उम्मीद है, विश्वास है और पूरे भारतवासी का विश्वास है कि विजय मिलेगी और ये दुनिया में नंबर एक तो है ही है और जो पताका है वो ऊपर और उड़ेगी। भैया देखिए, बाबा काफ़ी प्रफुल्लित हैं और बाबा काफ़ी उत्साहित है। देखिए यहाँ पर कुछ युवा हैं, क्या करते हो बेटा, क्या नाम है? विपिन यादव। विपिन यादव, क्या कौन सा कक्षा में पढ़ते हो बेटा? सेवेंथ में पढ़ते हो। कैसा लग रहा है क्रिकेटर भैया, क्या लगेंगे सूर्य कुमार भैया लगेंगे, कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है। देखिए भैया, आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिए अंदर मैच चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूर्य कुमार यादव जो हैं काफ़ी मेहनतशील संघर्षशील रहे हैं और उनके साथ जो है क्रिकेट खेलने में एक समय नाइंसाफी भी की गई है। जिस उम्र में वो नाम कमाना चाहिए, आज एक रिटायरमेंट जैसे होता है खिलाड़ी, 31 वर्ष की उम्र में आज जा करके सूर्य कुमार यादव को जिस प्रकार से मंच मिला है, ये सोचने वाली बात है। काफ़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और भी ऐसे क्रिकेटरों के साथ में उन्होंने रणजीत उस समय खेल करके टॉप स्कोर पर रहते हुए उनको मंच नहीं मिला था, तो ये सब कहीं ना कहीं पीड़ा है मेरे भी दिल में। लेकिन ये आज खुशी हो रही है कि अपने बदौलत और अपने दम के बदौलत जिस प्रकार से सूर्य कुमार आज पूरे देश में भारत के साथ साथ अपने गृह जनपद गाजीपुर का नाम रोशन कर रहे हैं, जरूर वो नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। देखिए ये सूर्य कुमार यादव के छोटे भाई हैं और एयरफोन, क्या मैच नहीं देखने गए थे क्या? जाएंगे नहीं देख रहे थे अभी तो मैच, टीवी पर देख रहे हैं। हाँ। वहाँ नहीं जाने का विचार है क्या? क्यों, वहाँ कहाँ हम लोग जा पा रहे हैं, कहाँ हैं? टिकट उकट नहीं भेजवाई है कहाँ हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अगर चाहेंगे तो सभी लोग जा सकते हैं। चाहेंगे तो सभी लोग जा सकते हैं, चलिए ठीक है। कैसा लग रहा है आप ये बताइए? बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया, ये लोग आज काफ़ी खुशी हैं और उल्लास में हर्ष के साथ। देखिए आज ये लोग सोच रहे हैं किसी प्रकार से कि भारत मैच जीत जाए। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट, धन्यवाद।